यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एडवाइजरी जाए, जितना भी अमला पाकिस्तान में काम कर रहा है पाकिस्तानी एयरलाइंस को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। स्टेटमेंट मिनिस्टर फॉर एविएशन सरवर खान की तरफ से आया था। 265 ऐसे पायलट से लाइसेंस को मशकूक करार दिया गया था। ये बहुत बड़ा धचका था। क्या पाकिस्तानी हुकूमत यूनाइटेड नेशन को कन्विंस कर पाएगी? अब पाकिस्तान का पायलट ना वो किसी बल अवी एयरलाइन में अपने सर्विसेज दे सकता है। 777 PIA का जहाज की पेमेंट्स, लीज की जो पेमेंट्स थी वो पूरी नहीं की गई थी। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी हुई है। यूनाइटेड नेशन का जितना भी अमला पाकिस्तान में काम कर रहा है या बाहर से जितना अमला आएगा वो पाकिस्तानी एयरलाइंस को इस्तेमाल कर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें तंबीह की गई है। और ये उस हुक्म के नतीजे में किया गया है कि जून 2020 में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मिनिस्टर फॉर एविएशन गुलाम सरवर खान की तरफ से आया था, और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मई में एक हादसा पेश आया था कराची में, पाकिस्तान एयरलाइंस की का जहाज़ गिर गया था, उसके बाद से जून में एक इंक्वायरी बैठी थी कि ये जो जहाज़ के पायलट हैं उनके जो लाइसेंसेस हैं वो मशकूक हैं। तकरीबन 262 पायलट्स के जो लाइसेंसेस के ऊपर शकुक व शुबहात का इजहार करते हुए उन्होंने कौमी असम्बली में और उसके बाद से मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में उन्होंने ये कहा कि हम उन तमाम अफराद को बेनकाब करेंगे जिन्होंने फेक लाइसेंसेस 262 अफराद को इशू किया। ये इनिशियली एक बहुत बड़ा धचका था एविएशन इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान के अंदर। 262 ऐसे पायलट्स थे जिनके लाइसेंस को मशकूक करार दिया गया था, और बाद में जब इंक्वायरी बैठी तो उसके बाद से ये नंबर कम होकर 50 पे आ गई, और फर्दर ये 28 ऐसे पायलट्स सामने आए जिनके लाइसेंसेस को मशकूक करार दिया। और उसके नतीजे में जब इन तमाम पायलट्स को ग्राउंड किया गया और यकायक सबकी इंक्वायरी हुई तो आखिर में टोटल 28 रह गए, और 28 262 में से टोटल 28 ऐसे पायलट्स सामने आए जिनके ऊपर ये कहा जा सकता है कि उनके लाइसेंसेस किसी हद तक मशकूक थे। लेकिन ये बहुत बड़ा धचका था। अगर गुलाम सरवर खान को ये चाहिए था कि उनको ऐसी अगर इतलात थी या ऐसी लीड्स अंदर से मिल गई थी तो कम से कम वो डिपार्टमेंट की सतह पर इंक्वायरी कंडक्ट करवाते और उसको तमाशा ना बनाते। इसकी वजह से अब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तानी एयरलाइंस पर हैं, और पाकिस्तानी एयरलाइंस जितनी भी पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में ऑपरेट हो रही हैं उनमें सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई है, और ये पाबंदी यूनाइटेड नेशन के इदारे ने लगाई है। और यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है कि उनकी जितने भी सब्सिडरीज पाकिस्तान में, खाओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, UNHCR हो, UNDP हो, वर्ल्ड फूड हो, वर्ल्ड एग्रीकल्चर, तमाम जितने भी इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनका अमला ये पाबंद होगा कि वो पाकिस्तान की जो एयरलाइंस, खाओ डोमेस्टिकली ऑपरेट कर रही हूँ या इंटरनेशनली, वो उन एयरलाइंस में सफ़र नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा धचका एक आया है सामने। अब पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं वो ये जो इंडस्ट्री है, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले से तबाह हाली की शिकार थी, तो प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसले का सामना है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत यूनाइटेड नेशन को कन्विंस कर पाएगी, उनको बावर करवा पाएगी कि नहीं, जितने भी पाकिस्तानी पायलट्स हैं उन्होंने जायज़ अंदाज से कानूनी तरीके से लाइसेंस हासिल किया था और उनके जितने भी लाइसेंस हैं वो डली सर्टिफाइड हैं, एक्रेडिटेशन के मायारत को पूरी कर रहे हैं और जो बैन अवी एविएशन की जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरी कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिबिलिटी थी जो कि तबाह होकर रह गई। अब पाकिस्तान का पायलट ना वो किसी बैन अवी एयरलाइन में अपने सर्विसेज दे सकता है, ना लोकली जो पाकिस्तान के अंदर एयरलाइंस चल रही हैं उनमें उस तरह से काम कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा एक तरह से जो टेक्निकल एक अमला है या एक इस मुल्क का एक लीड जो है, पायलट जो एक तबका होता है, उनके लिए मसाइल का सामना है। वो बेरोज़गारी के शिकार होते जा रहे हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान में एविएशन से मुतलिक जो ट्रेनिंग के इदारे हैं उन्होंने भी ये कहा है कि गुलाम सरवर खान ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, एक बम शेल गिराया है कि इतनी बड़ी एविएशन की इंडस्ट्री और पायलट्स के ऊपर, और इसकी वजह से बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है।
और पिछले दिनों कुआलालंपुर में फ्लाइट 777 PIA का जहाज़ उतारा गया और उसकी पेमेंट्स, लीज़ की जो पेमेंट्स थी वो पूरी नहीं की गई थी। हुकूमत पाकिस्तान ने ये मौका इख्तियार किया है कि जो 9 मिलियन डॉलर्स पे करने थे, PIA के जो लॉयर हैं, जो वकील हैं, उन्होंने ये मौका इख्तियार किया है चूँकि पाकिस्तान में कोरोना के बायस एयरलाइन को शदीद मुश्किल का सामना था, जिसके बायस 2 मिलियन डॉलर हमने अदा नहीं किए थे। तो उन्होंने कंपनी से ये इस्तदा किया है और कोर्ट से ये इस्तदा किया है कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। और ये 2 777 तैयारे हैं जो कि पाकिस्तान एयरलाइन ने हासिल किए थे लीज़ पर, और इसकी बरवक्त पेमेंट ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को लगा है, और इससे पाकिस्तान की बैन अवी सतह पर और कौमी सतह पर सुबकी हुई है। और हुकूमत को चाहिए था कि पहले ही इन मामलों को सेटल करते ताकि जहाज़ को ग्राउंड ना किया जाता।